हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से आपको लग ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में वैसे बात करेंगे कि अगर आपका कोई कंपनी से कुछ लेन देन हुआ हो या फिर कोई सामान खरीदा हो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया होगा और आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कंप्लेन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी बैंक से कोई रिलेटेड हो या फिर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या किसी से सर्विस से रिलेटेड हो या किसी कंपनी में कोई दिक्कत आ रही हो, तो अगर आप को उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर या वहाँ पे आपने कंप्लेन कर दिया, कोई सुनवाई लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट के एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताएंगे जहाँ पे जाके अगर आप कंप्लेन रजिस्टर कर देते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम कहीं कितना भी बड़ा हो वो सॉल्व कर दिया जाएगा। जो कंपनी आज आपको सुन नहीं रही थी, आपकी बात समझ नहीं रही थी, वो कंपनी आपका ये कंपे कंप्लेन करने के बाद वो कंपनी आपको कॉल कर करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी और हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए, अगर कंप्लेन करना है तो आपके पास जो है 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कॉल इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन लिखवा दें। दूसरा ऑप्शन है कि इस नंबर पे मैसेज करके करें। तीसरा यह है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथा जो है NSCH ऐप से कर सकते हैं। दूसरा भी ऐप से कर सकते हैं, उमंग ऐप से आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद जो अब हम आपको यहाँ पे सक्सेस स्टोरी भी दिख रहा होगा, किसी का 10,000 पेमेंट फंसा हुआ था, जो चीजें नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। आप अपना भी आके लिख सकते हैं अगर आप का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्टर योर ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्टर करके सकें, लेकिन हम ऑनलाइन करेंगे आज। तो ऑनलाइन पर साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक डिटेल भरना है, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, पासवर्ड बनाना है, उसके बाद साइनअप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे करने के बाद हम साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाके हम ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इसमें आके आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म में जो है आपको ग्रीवेंस डालना है, ठीक है, कि आप पूछना चाह रहे हैं या कंप्लेन करना चाह रहे हैं। तो हम कंप्लेन करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन डालना है, गुड्स लिए थे या सर्विस कोई लिए थे, तो चलो मैंने गुड्स डाल दिया। उसके बाद स्टेट डालना है कि आप किस स्टेट से, चलो मैं बिहार डाल दिया। उसके बाद आपको सिटी देखना है कि आप किस सिटी में क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने फतेहपुर डाल दी। उसके बाद इंडस्ट्री डाल देना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से है, बैंकिंग से है, मान लो बैंकिंग से है तो बैंकिंग डाल दिया। उसके बाद कैटेगरी डालना है कि ATM डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ई वॉलेट है, चलो ATM डेबिट कार्ड डाल दिया। उसके बाद कंपनी डाल दी, किस कंपनी से है, जिस बैंक से आपका दिक्कत होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद हम ये एक बेसिक डिटेल डालेंगे कि मतलब वो जो है कहाँ पे है, जो आपका जो कंपनी है वो कहाँ पे है, ठीक है। वो डालने के बाद आपको जो है ग्रीवेंस का नेचर सिलेक्ट करना है कि फ्रॉड हुआ था, अमाउंट डेबिट हुआ था ATM से लेकिन आपको पैसा नहीं निकला, जो भी होगा आप वो डालिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट वैल्यू डाल दीजिएगा कि कितने का आपका जो भी दिक्कत है, फ्रॉड हुआ या फिर जो चीज़ का पैसा आपका फंसा हुआ है वो वैल्यू डालिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको डिटेल भर दीजिएगा कि आप बताना कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप यहाँ पर प्रूफ अपलोड कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका काम नहीं हुआ तो फिर आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ पे 80-90% केस जो है सबमिट होने के बाद आपके एप्लीकेशन 2 से 3 दिन के अंदर काम हो जाता है। कंपनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाती है। इनकेस अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है किसी का, तो वो ई दाखिल करके ऐप वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर दीजिएगा, जिससे वो कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में जाने के बाद वो केस जो है आपका गवर्नमेंट लड़ती है, आपको वकील करने की टेंशन नहीं है, वो गवर्नमेंट आपका केस लड़ेगी। तो ठीक है, वैसे यहाँ पे 80-90% केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। जो कंपनी आज आपको सुन नहीं रही है, आपकी कंप्लेन समझ नहीं रही, वो सारे यहीं पे कंप्लेन करने के बाद सारे का अकल ठिकाने में आ जाता है और आपका काम टाइम पे हो जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कंप्लेन हो तो आप कंप्लेन करके देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कितने दिन में आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।